एक जबरदस्त 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 अपडेट मिला है। बंदे लोग वही है, एक एक ना दो तो दूसरा देगा, दूसरा ना दो तो तीसरा देगा, तो भाई लोग है सबको ही है। सो नो टेंशन, जवान के भी मैक्स टू मैक्स अपडेट्स ला कर दूंगा, जैसे पठान के दिए वैसे जवान के लगा। हाँ उस लेवल पे जो डेट्स वगैरह फक मैंने उसी दिन बोला है डेट्स वगैरह पे और उंगली नहीं करना है मेरे को, तो जो भी शूटिंग अपडेट्स हो या कुछ भी अपडेट्स हो एकदम खतरनाक वाला अपडेट्स हो ला कर दूंगा। और जवान की जो मुंबई की शूटिंग चल रही थी, कल ही मैंने वीडियो बनाया था कि वो शूटिंग मतलब लास्ट सीन्स वगैरह सब शूट हो रहे, उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शंस का काम चालू होगा। कल ही रेड चिलीज ने ऑफिशियली एक पोस्ट डाला हुआ था जिसमें कि उन्होंने आउटसाइडर्स को बुलाया कि जो आउटसाइडर्स है जो VFX का काम सीख रहे हैं, जो बच्चे मतलब यंग फ्रेशर्स लौंडे, तो उनको बुलाया कि पोस्ट प्रोडक्शंस के काम में जवान की टीम के साथ वो लोग मंगता इंटरव्यू क्रैक करके वो लोग ज्वाइन कर सकते। कल ही शाम को वीडियो बनाया और कल ही शाम को पोस्ट प्रोडक्शंस का एक हिंट दे दिया रेड चिलीज ने, तो ये तो सही। इसीलिए भाई हिंदुस्तान की सबसे बेस्ट VFX टीम है, पता है वो आज से नहीं है, वो बहुत टाइम से। वो क्या है कि वो लोग जो आउटसाइडर्स है ना, जो मेन कोर है, कोर को उठाते हैं वो लोग, इसका मामा का लड़का मौसा का लड़का वो सब चिंदी चोरी करके VFX टीम में घुसाते नहीं। ये तो मैं कब से बॉलीवुड के जितने भी फिल्म मेकर्स है सबको अपने वीडियो से बता रहा था, किसी को सुनना नहीं है, अपन यूज़ करेंगे, अपन लोग यूज़ करेंगे वो काम जो मैंने बोला था। चलो ठीक है, जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है कि मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि क्या करना चाहिए। एक अगर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फिल्म मेकिंग कंपनी बनाना है, फिल्म मेकिंग टीम बनाना है, तो यही कोर एलिमेंट है। अब हो गया वो मौसे का लड़का, बीवी का दोस्त का बेटा, वो सब हो गया, वो पूरा वो सब अब और चलेगा नहीं, इसका मामा का लड़का सब नहीं चलेगा। वो सब एक्टिंग में करो, एक्टिंग में नो इश्यू, लेकिन ये फिल्म मेकिंग में जो कर रहे हो ना, ये 25 बार टट्टी फिल्म बना लो, 27 बार फिर उसको फिल्म दे दो, क्योंकि वो कौन है, मौसे का लड़का है, नहीं चलेगा, वो चलाते रहो वही है मैक्स, कभी उसमें बीच में कुछ एक लग गया तुक्का में लग गया, लेकिन ये सुधरेंगे नहीं, ये लोग करते रहेंगे। तो कमिंग टू द पॉइंट, जवान ने अपना जो मुंबई का शेड्यूल है वो शेड्यूल कंप्लीट हो गई है भाई। फिल्म की फ़ोटोज़ वगैरह बहुत कुछ आए हैं मेरे पास, उसमें से एक फ़ोटो मैंने अपने इंस्टा में डाला हुआ है, उसमें कुछ भी रिवील नहीं है, बस टीम जो है उसमें सयानी मनोत्रा का शायद फ़ोटो है पीछे, लुक आई गेस, वो और पूरी टीम, पूरी की पूरी टीम एक साथ बैठी हुई है एंड दे आर लाइक रैप अप कंप्लीट, फाइनल हो चुका है और मुंबई का जो शेड्यूल है इस फिल्म का कंप्लीट हो चुका है भाई। तो मैं समझता हूँ कि अगली शेड्यूल कोई और जगह पे होगी, और वो कौन सी जगह पे होगी वो भी मैं अपडेट करके बताता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि मोस्ट 70-80% ऑफ द फिल्म कंप्लीट हो चुकी है। कुछ कुछ सीन्स और कल मैंने बोला था क्लाइमैक्स की सीन है इस फिल्म का, जो सीन शूट हुआ है मुंबई के अंदर वो क्लाइमैक्स की सीन है। अब कौन सी सीन्स ये लोग जो लेफ्ट आउट सीन्स ये लोग शूट करते हैं उसकी अपडेट मैं लेकर आता हूँ। तो फिलहाल के लिए जवान हैज़ रैप्ड अप इन मुंबई, और मुंबई का 146, 147, 148, 149 टोटल 150 सात से आठ दिन का शेड्यूल था, ये पूरा ख़त्म हो गया। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब करो चैनल को, 93 समथिंग कुछ हो गया, और कितना 6.5 कितना चाहिए रे, 6.5 जो भी है, एक साथ मिल के मतलब लाइव करेंगे क्या 100K के दिन लाइव करके, कुछ प्लान बताओ रहे तुम लोग मेरे को, मेरे उतना प्लान पता नहीं, मतलब कुछ आइडियाज़ दो मतलब सेलिब्रेट करने का। तो मिलते हैं अपने ग्लूडिया साथ, तब तक के लिए।